वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 अक्टूबर की पुष्कर यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पूरे लवाजमी के साथ सभास्थल का जायजा लिया गया। पीएम मोदी वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के समापन पर अजमेर पुष्कर आ रहे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं कि मुख्यमंत्री अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पीएम मोदी 6 अक्टूबर को पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जब संगठन का कार्य देखते थे तब 1989 में पुष्कर आए थे, तभी राम सखा आश्रम में एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक में भैरव सिंह शेखावत ओम माथुर जैसे नेता साथ थे। उसी दिन भी मोदी ने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना भी की थी। पीएम मोदी पुष्कर के बीच कायड़ विश्राम स्थली पर एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बीजेपी प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। वहीं आमतौर पर इस विश्राम स्थली पर ख्वाजा साहब की दरगाह में आने वाले जायरीन भी ठहरते हैं। यही वजह कि विश्राम स्थली के रखरखाव का जिम्मा केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दरगाह कमेटी के पास है। ऐसे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय भी तैयारियों में जुटा हुआ है।